नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा के न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव, और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है, फिल्म शूटिंग को आई टीम में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमित लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच होगी। डेल्टा प्लस की जांच के लिए सभी के सैंपल्स भेज दिए गए। मुंबई से लखनऊ शूटिंग के लिए टीम आई थी। फिलहाल लखनऊ में फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है, संक्रमित पाए जाने के बाद 5 मेंबर्स के। तो मुंबई से लखनऊ जो यूनिट शूटिंग के लिए आई थी, फिल्म यूनिट, उसमें से 5 लोग इन्फेक्टेड निकले हैं, कोरोना से संक्रमित निकले हैं। और क्या वो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं, इसकी जांच के लिए उनके सैंपल्स भेज दिए गए हैं। शूटिंग की इजाजत खत्म कर दी गई है। बड़ी खबर, और देश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। आज भी कोरोना के 38,949 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 542 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। हालांकि अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में 40,026 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 39 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 38,78,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं, 40,026 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 39 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। 38,78,000 लोगों को पिछले 24 घंटे में टीका लगाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है। इसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नड्डा का संबोधन होगा, और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में दिल्ली से जेपी नड्डा के साथ साथ स्मृति ईरानी, अरुण सिंह, महेंद्रनाथ पांडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। और आपको यह भी बताएं कि 4 सत्रों में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। सत्र के हिसाब से आप बैठक को समझिए। पहला सत्र है उद्घाटन सत्र, इसे संबोधित करेंगे वर्चुअली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दूसरा सत्र राजनीतिक प्रस्तावों का होगा, इसको संबोधित करेंगे यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह और प्रदेश पदाधिकारी राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे। तीसरा सत्र आगामी कार्यक्रम और अभियान का होगा, इसमें चुनाव पर चर्चा होगी, और इसमें दोनों डिप्टी सीएम्स और सुनील बंसल, जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और चौथा सत्र समापन सत्र होगा, इसको संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मिशन 2022 के लिए भाजपा ने रणनीति बनाई है, सूत्र हमें बता रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा अभियान चलाएगी, 3 प्रमुख अभियान चला सकती है भारतीय जनता पार्टी, सूत्रों के हवाले से खबर है। अभियान है वैक्सीनेशन, बूथों पर नई समिति का गठन, और मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये 3 बड़े अभियान चलाएगी चुनाव से पहले। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत दिसंबर महीने तक 70% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा जो अभियान है उसमें बूथ समितियों के सत्यापन का लक्ष्य रखा गया है, और भाजपा के बनाए नए बूथों पर नई समितियों के गठन का भी काम होगा। तीसरा अभियान जो है वो मतदाता पुनरीक्षण का चलाया जाएगा। भाजपा पंचायत चुनाव में विजयी प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का भी एक अभियान चलाएगी। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं। शैलेश शाह, ये तीनों जमीन से जुड़े अभियान लगते हैं, प्रथम दृष्टया साफ जाहिर होता है कि जो ग्राउंड कनेक्ट है पार्टी का, जो जमीन से जुड़ाव है, वो कैसे मजबूत हो, वो इस अभियान के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, किया जाएगा। इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे और ये कब से शुरू होंगे शैलेश? देखिए, आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, और जिन अभियान की हमने बात की है, ये अभियान कल जो बैठक हुई थी कार्य समिति की तैयारी को लेकर, जो योजना बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उसी में इन अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। और आज कार्य समिति की जब बैठक होगी उसमें भी इन प्रस्तावों को लाया जाएगा, और मानकर चलिए हरी झंडी मिलते ही इन अभियान को पार्टी शुरू कर देगी, क्योंकि 2022 में अब बहुत समय नहीं रह गया। एक नज़ारा दिखाते हैं इस समय हम भाजपा प्रदेश कार्यालय का, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यालय पूरी तरह से यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। और लंबे अरसे के बाद देखिए ऐसा भी हुआ यहाँ पर कि मीडिया की जो एंट्री, आमतौर पर ये जो सामने आप गाड़ियाँ लगी देख रहे हैं वहाँ पर मीडिया खड़ी
लिए होती थी, लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का आना होगा, डिप्टी सीएम का आना होगा, इसके अलावा बड़ी संख्या में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी आएंगे, इसके चलते यहाँ पर फिलहाल मीडिया के लिए एक अलग जगह बना दी गई है जहाँ से कवरेज होगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तैयारी है, 11:30 बजे से यहाँ पर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो इस पूरे सत्र की शुरुआत करेंगे। इसके बाद में जो सत्र होंगे दूसरा तीसरा चौथा, उनमें अलग अलग सत्र में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एजेंडा जो मेन होगा, फोकस होगा, वो होगा 2022 जो अभियान चलाने की बात है, ये भी 2022 को लेकर ही फोकस करके चलाए जाएंगे। क्योंकि वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात की जाए उसके देखिए कई फायदे हैं, पहला लोग सुरक्षित होंगे, दूसरा एक मैसेज जाएगा कहीं ना कहीं कि सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई है, वो एक उपलब्धि के तौर पर होगा। तीसरा अगर फायदा देखिए तो 2022 के जब चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव की तस्वीर देखिए, सभी ने देखी थी कि जब पंचायत चुनाव हुए तो बड़ी संख्या में लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे। जी, अगर पहले ही सबको सुरक्षा कवच दे दिया जाएगा तो 22 के जो चुनाव है वो कराने में आसानी होगी। यानी एक चीज से कितने फायदे हैं ये आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज पर आइए, बात करते हैं जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, उसमें मेन फोकस होगा जो पार्टी के साथ हैं लोग, खास तौर से वो लोग सूची का पुनरीक्षण करके जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो जुड़वाए जाएंगे ताकि वोट बैंक बढ़े पार्टी का। तो एक तरह से ज़्यादा लोग अपने मत का अधिकार भी प्राप्त करेंगे और दूसरी उसका इस्तेमाल भी करेंगे, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी को भी उसका फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखिए जितने भी प्लान बनाए गए हैं, इसके अलावा उपलब्धियों को लेकर देखिए पूरी योजना है, अभियान चलेगी, अभियान जो चलेगा योजना में बताया जाएगा जनता को, कार्यकर्ताओं को, कैसे चाहे वो बात हो अन्न वितरण योजना की, किस तरह से राशन वितरण किया सरकार ने, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या थी जब राशन वितरण किया गया है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की देखिए बात करें, चुनाव सबसे जनसंख्या वाला राज्य भी है, तो जब सरकार ये उपलब्धि अपनी बताएगी तो सबसे ज्यादा लाभार्थी भी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। बिल्कुल, और इससे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, सरकार को अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इन तीनों ही अभियानों से जो मतदाता है उनसे सीधा संपर्क हो पाएगा, ये बिल्कुल साफ समझा जा सकता है। शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए जो आपने इस कैंपेन के बारे में जी। और आज 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आज दोपहर 12 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी और एयरपोर्ट पर प्रियंका का भव्य स्वागत करेंगे कार्यकर्ता। यूपी में आगामी चुनाव की रणनीति बनाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, और लखनऊ में कई जगहों पर प्रियंका के होर्डिंग और बैनर लगे हुए। पार्टी के जिला अधिकारियों सहित किसान संगठन से वो मुलाकात करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों और जिला एवं शहर अध्यक्षों के साथ वो अहम बैठक करेंगे। अपने इस दौरे में प्रियंका गांधी सभी पार्टी पदाधिकारियों के अलावा सेवा दल और यूथ कांग्रेस समेत पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठनों के नेताओं के साथ भी बैठक करने वाली है। इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार की जानी है। 3 दिन के दौरे पर प्रियंका आज से उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी, ये वक्त 12 बजे भी बताया जा रहा है। 1:35 पर हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बर्लिंगटन चौराहा, बापू भवन, विधानसभा पर उनका स्वागत होगा। 2 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। यह आज का कार्यक्रम, शाम के 7 बजे तक वो हेडक्वार्टर्स पर ही बैठक करेंगी और रात में कॉल हाउस में विश्राम करेंगे। 10:20 पर कल सुबह वो पार्टी मुख्यालय पहुंच जाएंगी और रात 7:30 बजे तक, शाम के 7:30 बजे तक वो पार्टी मुख्यालय में ही बैठक करती रहेंगी। अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस पदाधिकारियों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला और शहर अध्यक्षों से भी वो मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा कोरोना से जो मृत लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके परिजनों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम। आज और कल के कार्यक्रम हमने विस्तार से आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। प्रियंका गांधी, संगठन को मजबूत करना जाहिर सी बात है उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। पार्टी के लिए कैसे चुनावी जमीन तैयार की जाए ये उन्हें सोचना होगा। और आज आगरा के दौरे पर रहेंगे यूपी के प्रभारी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। सुबह 11:30 संजय प्रेस वार्ता करेंगे। संजय सिंह छिपी टोला स्थित अंबेडकर पार्क में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आगरा में होंगे आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उनके यूपी प्रभारी संजय सिंह। संजय प्लेस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक जनसभा को भी आज आगरा में छिपी टोला में संबोधित करेंगे। अंबेडकर पार्क छिपी टोला में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम संजय सिंह का। सुबह 11:30 आगरा में ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो आज संजय सिंह की सक्रियता का केंद्र रहेगा आगरा।
और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय हो गए। कुछ दिनों पहले ही ओवैसी ने बहराइच का दौरा किया था और कल असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंच गए थे। इसकी शुरुआत उन्होंने संभल से की। संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने हजरत इमादुल मुल्क की मजार पर चादर चढ़ाई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को ओवैसी के कार्यक्रम में आना था, लेकिन उनके ना आने से तमाम अटकलें लगाई जा रही। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे गठबंधन के संयोजक हैं और हम सब साथ हैं। मैंने तो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की बात को रिटिरेट किया और फिर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस के लिए तैयार हैं, तो वो हमारे कन्वीनर हैं, वो बड़े हैं, वो इस सवाल का मुझसे बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। लेकिन सर आज भी वो और ओवैसी की उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निशाने पर लिया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ओवैसी भाजपा की मदद कर रहे हैं और वो यूपी में वोट कटवा से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये समाजवादी पार्टी का चार्ज असदुद्दीन ओवैसी पर है। असदुद्दीन ओवैसी के सक्रिय होने के बाद समाजवादी पार्टी ने तीखा आक्रमण किया उनके ऊपर। वोट कटवा उनको बताया है, कहा है कि वोट कटवा से ज्यादा उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है और उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने आए। ये है समाजवादी पार्टी का टेक असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर। तो उनकी सक्रियता के साथ समाजवादी पार्टी का आक्रमण शुरू उनके ऊपर। कल संभल और मुरादाबाद पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी। मैं कि उनकी क्या इमेज है बंगाल में, उनको मुसलमानों ने नकार दिया क्योंकि मुसलमानों को यह एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि ये लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये भी लोग जानते हैं कि जो दूसरी पार्टियां में नाम लेना नहीं चाहता, अगर वो इतनी हितेशी होती किसी की भी तो वो उनके संघर्ष के समय में उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किन लोगों को अपना मकसद सिद्ध करने में कामयाब करती है। बिहार इसकी एक मिसाल है। और जो लोग भी हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो उनका वही हाल होगा जो बंगाल के अंदर है। सपा के आक्रमण आपने देखे, दोनों ही सपा के मुस्लिम लीडर्स ने हमला बोला। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से खबर है। 1 लाख के इनामी दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। डिप्टी जेलर नरेंद्र द्विवेदी के हत्यारे को ढेर करने वाले जांबाज को मेडल के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति पदक की संस्तुति के बाद भी दफ्तरों में ही घूम रही है मेडल देने की फाइल। दुर्दांत अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लाला को एनकाउंटर में ढेर करने का मामला है। धर्मेंद्र उर्फ लाला का 26 सितंबर 2012 को मुठभेड़ में वो ढेर किया गया। कोर्ट ने डीजीपी प्रदेश और केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। जस्टिस सलील कुमार राय की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। मुख्यमंत्री आवास, वहां पर जनता दरबार लगा हुआ है और ये देखिए मुख्यमंत्री जनता दरबार के जरिए लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। सीधी तस्वीरें, 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से आपकी स्क्रीन पर। और शिकायत उन्होंने सुनी, ये देखिए लोगों ने उन्हें अपनी शिकायत लिखित रूप में भी दी, मौखिक रूप में भी बताया। और पिछले कुछ दिनों से सिलसिला जारी है, जब से कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है तब से मुख्यमंत्री अपने कालिदास मार्ग स्थित आवास पर लखनऊ में लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हमने आपको रोज दिखाई हैं। और ये देखिए कैसे लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। जो तकलीफ में हैं लोग, परेशान लोग हैं, वो इस जनता दरबार में पहुंचकर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। लिखित रूप में भी उन्हें अपनी शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं। इधर आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पर धरना दिया। सपा के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा था और इसमें देश विरोधी नारे लगाए गए।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी। दो तस्वीरें, आगरा में देश विरोधी नारे लगे हैं समाजवादी पार्टी की रैली में, विरोध प्रदर्शन में देश विरोधी नारेबाजी हुई है आगरा में। सपा के प्रदर्शन में ये नारे लगाए गए हैं, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक देश विरोधी नारे लगा रहा है। हमने उसको संज्ञान लिया और हमने मांग करी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील। समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट आज उन्होंने सदर जो तहसील है वहां पे किया था, और उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहा है। इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा, साथ ही में कौन व्यक्ति है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसकी जांच अभी की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी इसमें कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। इधर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन की जितनी लोगों को उत्सुकता है उतनी ही तेजी से काम मंदिर ट्रस्ट भी वहां पर कर रहा है। लिहाजा मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक साल 2023 तक राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन वहां पर कर सकेंगे, साथ ही वहां दर्शन पूजन भी शुरू हो जाएगा, जबकि 2025 तक राम जन्मभूमि परिसर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा ना पहुंचे तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।